भाई मरते मरते बचाऊं यार, मत आना मत आना। पानी भी पिला रहा है तब जाम लग गया। असली मंदिर पे जाना नहीं हो पाएंगे हमें। मरते मरते बचाऊं यार, मत आना मत आना। मैं एक टाइम पे फंस गया था, चश्मा भी क्या मेरा चश्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, जान इंपॉर्टेंट है भाई। गाइस मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं भाई, आंसू लगा खत्म। चश्मा भी मेरा गिर गया भाई, एक्चुअली कम लड्डू लुड्डू के चक्कर में सब एक के ऊपर एक कूद रहे थे, तो अचानक से उन्होंने गुलाल भी फेंकना चालू कर दिया, दोनों मिक्स होके पार्ट लग गया भाई। मत आना एटलीस्ट इस टाइम पे, तो मत आना। लड़किया हो या लड़का हो कोई भी सेफ नहीं है भाई। अविनाश भी खो गया, पता नहीं कहाँ है वो, अंदर लड्डू लूट रहा था। मैंने उसको बोला चल चल, वो निकला नहीं। मैं जैसे तैसे करके अभी देख कितनी भीड़ है बाहर, ये सारी भीड़ अंदर थी एक टाइम पे। अरे बढ़िया प्रसाद। भाई भीड़ का तो होने का नाम ही नहीं ले रही है। बरसाना भाई, इतनी हालत ख़राब है ना। अविनाश शायद गाड़ी के पास पहुंच गए और बैटरी भी 2% है, तो मैं गाड़ी पहुँच के बात करता हूँ। साला आज इसके वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। मतलब लाइफ में पहली बार फील हुआ है इधर ख़त्म हो जाएंगे आज भाई। जो भीड़ थी ना, मैं उस टाइम वीडियो बनाने का मेरा खुद का होश नहीं था मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अविनाश बाहर है,
है ना। मैं और ये पहले तो लाइन में खड़े थे, मैं दिखाया था। उसके बाद जब गेट खुला और हम अपने पैर से नहीं चल रहे थे, मैं भीड़ ही अंदर ले जा रही थी। अंदर ले जाने में जो आगे पीछे जो प्रेशर हुआ, और जब अंदर पहुंचे तो ये आगे चला गया लड्डू लूटने के लिए और मैं बीच में, और मुझे अचानक से सफोकेशन होने लग गया आगे पीछे के प्रेशर से, क्योंकि लोग पीछे से आ रहे हैं, आगे से जा नहीं रहे, निकल नहीं रहे हैं। वो गेट शायद बंद था, एक लॉक था पता नहीं, और अचानक से उन्होंने गुलाल वुलाल फेंकना चालू कर दिया। जैसे गुलाल वुलाल फेंका तो और सांस आना कम, फिर जो एंग्जाइटी हुई और जो मतलब फटी मेरी फटी। मैंने इसको बोला कि मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ, इसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं, ये लगा हुआ है लड्डू लूटने में। मुझे लगा भाई मतलब मैं निकलता हूँ बाहर, बाहर वेट करूंगा। लेकिन भाई लड्डू तुम्हें दिखा दिया भाई, मैं बाहर गया, बाहर पहुंचे नहीं, मुझे धक्का मार मार के जैसे तैसे चिल्ला रहे हैं मेरे आगे पीछे वाले, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं, मर जाऊंगा हो रहा है। ये सारा इसने चिल्लाया था, दूसरे ने चिल्लाया भाई, मेरे आगे पीछे लड़कियां रो रही हैं भाई उसमें, बचा लो बचा लो, छोटे छोटे बच्चों को जैसे तैसे निकाला। फिर मैं साइड में उधर टेरेस में जाने की जगह थी, एक को मैंने हाथ दिया, उसने बेचारा ने खींचा, मैंने उसको थैंक यू वैंक यू बोला, गले लगाया, मैंने बोला भाई आज तो मैं मर जाता। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, इसका कहानी बता रही है कहाँ फंसा हुआ था। मैं ना बीच में था ना साइड में, सबसे लास्ट में था मैं। हाँ। सारा क्राउड मेरे ऊपर गिर रहा था, मैं लास्ट पर्सन था या सबसे नीचे आता अगर क्राउड गिरता था। और वहाँ एक बस रस्सी थी, जो रस्सी की वजह से हम रुके हुए थे, प्लस वो पुजारी उजारी आए, वो दान पेटी का पूरा था, वो लोहे का वो था डब्बा, वो लाके उन्होंने हमारे ऊपर ढकेली भाई साहब। फिर मैं कैसे निकला हूँ मैं बस जानता हूँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई भाई। मैं एक बार मतलब आगे मैंने देखा कि मैंने बोला आगे जाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सीढ़ी वीढ़ी पे तो भाई फिर गिरता ही गिरता, मैं गिरता या फिर कोई ना कोई तो गिरता, इतना इतनी भीड़ थी। तो मैंने बोला साइड में खड़ा हुआ था, थोड़ा देर खड़ा हुआ तो साइड में भी मुझे दिखा कि बड़ी सी एरिया थी जहाँ पे था, जहाँ पे सब बैठे हुए थे, बहुत लोग रो रहे थे, लड़कियां रो रही थी बेचारी, कोई पानी पिला रहा है, कोई बेहोश टाइप फील कर रहा है भाई। वो जो 5-6 मिनट होंगे ना लाइफ के, मतलब सबसे गंदे 5 मिनट होंगे जो मैंने फील किए थे, इसलिए फैमिली वाले तो कभी बताना, लड़के भी अवॉइड ही करना भाई, क्योंकि यहाँ पे लड़का लड़की और बच्चों को बिल्कुल यार, छोटे छोटे बच्चों को, उनका तो भाई कचूमड़ बन जाएगा, मतलब उनका तो भाई और छाती कम स्ट्रांग होती है। हम तो हाथ वाथ से अपने चेस्ट बचा रहे थे, हाथ को आगे रखे, और हमें तो थोड़ा दम वम भी है, तो हम थोड़ा बहुत पुश भी कर ले, जिसके अंदर दम नहीं हो तो बेचारा पुश भी नहीं कर पाएगा, अगेंस्ट द वॉल पूरा दब जाएंगे। अच्छा वो पराठे खा के गए थे भाई, जान नहीं होती तो सांस और छोड़ दिया होता हमने। एक टाइम पे तो लगा कि गया, उसके बाद तो दिमाग आ रहा, फिर ये चला गया नीचे, मैं वहीं पे घूमता रहा भाई, मेरा हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा उसमें जाने की भीड़ में, कि मैं भीड़ में जाके फिर लिख लूं बाहर। फिर एक आधा घंटा में वहीं रुका, उसके बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो फिर मैं वहां से धीरे धीरे करके निकल के आया। क्वेश्चन ये कि तू मेरे से पहले निकला था या मैं तेरे से? तू पहले निकला भाई, मैं तो बहुत लेट निकला, मैं अभी जस्ट निकला, स्टार्ट पहले मेरे से किया था, नहीं वो भीड़ से। अरे मैं तो बीच में ही था ना, मैं गया ही नहीं मंदिर उसके पास, मतलब मूर्ति के पास। तू क्या किया? तू लूटते लूटते मूर्ति की तरफ चला गया। हाँ, मैं गया, एक लूटा, मैं तेरी तरफ देखा, तूने बोला तू बीच में था, तू बोला मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। अविनाश का एक ही सजेशन है कि होली के टाइम पे बरसाना वृंदावन अवॉइड ही करना, और आ भी रहे हो ना तो या तो बहुत लेट आना या फिर बहुत जल्दी आना, ऑन टाइम तो कभी मत आना। 4 बजे से अगर गेट खुल रहे हैं ना, 4 बजे आके गेट पे खड़े हो गए ना, तो भाई कुछ ना कुछ तो खत्म हो गई समझ लेना, हाथ पे टूटेंगे या सांसें आना बंद हो जाएंगी। लिटरली एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ओवर एग्जरेट नहीं कर रहा हूँ, आई फेल्ट इट इसी लेके नहीं, या झूठ बोल रहा हूँ मैं? नहीं नहीं, वो पुलिस वाले बताएगा झूठ बोल रहा है। अब हम जा रहे हैं वापस, हालत नहीं है अभी कुछ भी करने की, पैर भी छिल गए भाई, तो ट्रैक पता नहीं इन्होंने सेकेंडरी गेट बनाया है, पहाड़ों पे चढ़ा दिया, उस पे पैर वैर पे गिट्टियां विट्टियां घुस गई अलग है, चप्पल उतार दो बोल के दुकानों में चप्पल उतरवा दिया, फिर पा चढ़वा दिया, चढ़ने के बाद ऊपर जाके खड़े हो जाओ लाइन में। बहुत चप्पल नहीं उतार रहे थे तो वहाँ पे, लेकिन एक पंडित डांट रहे थे। अरे पुलिस वालों को डांट दिया कि क्या जूते पहन के अंदर आ गए हो, उतार दिया। चलो भाई कोई नहीं, वो बोलते ना जान बची तो लाखों पाए, कुछ तो है ना सही, क्या है लौट के बुद्धू घर को आए, मतलब वही हो गया। होपफुली किसी को कुछ ज्यादा सीरियस हुआ ना हो, और सब जो भी दर्शन करने आए थे अच्छे से दर्शन हो गए हो, सब सेफली हो। तो गाइस अब निकलते हैं, हम जाते हैं वापस नोएडा, कहीं भी रुक के कुछ खाएंगे वाएंगे थोड़ा बहुत, फिर विल हिट नोएडा। अभी 3 घंटा दिखा रहा है नोएडा, तो आज रेस्ट डे होगा बढ़िया वाला। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। आगे पता नहीं कौन से गांव में ले आया, इतने पतले पतले रास्ते हैं भैया, किसी घर ही में कुछ यार
बस रास्ता निकलने लायक हो, इसीलिए अच्छा वो छोटी गाड़ी लेके आया, ज्यादा बड़ी होती तो इसमें निकलती भी नहीं। अरे दीदी आ जाओ, आंटी जी आंटी जी। हाँ देख, फास्ट टैग में बैलेंस है 833 रुपये और ये बोल रहा है नहीं खुल रहा है। ये क्या लफड़े हैं ये। पहुंच चुके हैं फरीदाबाद और यहाँ से हमें लगेगा अभी और आधे घंटे के आसपास फ्लैट पहुंचने के लिए। और हालत एकदम फुल ऑन टन डना डन टन। एक तो ट्रेजेडी वाला में जो हम घुसे फिसे हैं, उसके बाद पैरों के तलवे छिल गए हैं बिकॉज ऑफ दैट क्या ट्रैक, स्मॉल ट्रैक वी डिड। और उसके अलावा गाड़ी तो चला चला, ये तो सो गया था अभी थोड़ी देर पहले, सोच लो आत्मा। अभी घर जाएंगे, एकदम राधे रानी वाले गाने बजवा दिए मुझसे और ट्रिप पे चला गया। इसकी डबल ट्रिप हो गई भाई, एक ट्रिप का दूसरी ट्रिप, ये ट्रिप पे चल रहा है और मस्त हो गया। मैंने भी समझ दिया, छोड़ो घर पहुंचेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यही दे रखते हैं, क्या बोलते हो? बहुत ज्यादा आजकल फन हो गया, मैं आपको मिलता हूँ कल नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज जे फ्रॉम जनरल जय सिंह ब्लॉग्स। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।